एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज कामिनी मौर्या और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में, एंड दैट इज अबाउट योर ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं या फिर आप लोग ले चुके हैं अपनी फर्स्ट कट ऑफ के अंदर एडमिशन, तो आप लोगों के अंदर ये डाउट जरूर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग में से काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या मैं एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफर ले सकता हूँ इनकेस अगर मैंने फर्स्ट कॉलेज में एडमिशन ले लिया है फर्स्ट कट ऑफ के अंदर। सेकेंडली, आपका ये डाउट हो सकता है कि क्या आप लोग सेम कॉलेज के अंदर एक कोर्स से दूसरे कोर्स में ट्रांसफर ले सकते हैं। सो यस, बोथ द थिंग्स आर पॉसिबल। अगर आप लोगों ने एडमिशन लिया है फर्स्ट कट ऑफ में किसी भी कॉलेज में, अगर आपने अपनी एडमिशन फी की पेमेंट कर दी है, सपोज आप लोग कोई भी कोर्स लिया है, आप लोगों ने इंग्लिश ऑनर्स लिया है, मैथ्स ऑनर्स लिया है, बीएससी फिजिक्स ऑनर्स लिया है, आपने किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं या फिर आपने ले लिया है, तो आप लोग एक काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने एडमिशन फी पे कर दी है तभी ये चीज पॉसिबल है। आप लोगों को सफिशियंट टाइम दिया जाएगा नेक्स्ट कट ऑफ के अंदर। जैसे सपोज नेक्स्ट कट ऑफ आ गई है, आप लोगों ने फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन ले लिया, सपोज आप लोगों ने एडमिशन ले लिया किरोरीमल कॉलेज में, देन आप लोग लेना चाहते हैं अपना एडमिशन रामजस कॉलेज में, तब आप लोग जब रामजस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं सेकंड कट ऑफ के अंदर और आपको बहुत अच्छा कोर्स मिल रहा है रामजस कॉलेज में, तब आप लोग अगर आपने पहली कट ऑफ में किरोरीमल में एडमिशन ले लिया है तो उसको आपको कैंसिल करना पड़ेगा। आपके पास सेकंड कट ऑफ में जैसे ही आप लोग अपना पोर्टल खोलेंगे वहां पे आपको ऑप्शन आ जाएगा कैंसिल योर एडमिशन, तो आपने जहां एडमिशन लिया होगा वहां से आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। देन अगेन उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जैसे कि चूज योर कॉलेज एंड कोर्स। जैसे ही आप लोग अपना कॉलेज चूज करेंगे, सपोज आप लोगों को रामजस में लेना है एडमिशन तो आप लोग रामजस चूज करेंगे, देन वहां पे आपको कौन सा कोर्स चाहिए वो आप लोग चूज करेंगे, इसके बाद आप लोग उसकी पेमेंट करेंगे। अब पेमेंट कैसे होगी, आपने जो पेमेंट अपने प्रीवियस कॉलेज में की थी लाइक किरोरीमल कॉलेज में की थी, आपने फर्स्ट कट ऑफ में जिस भी कॉलेज में एडमिशन लिया है या फिर ऐसा प्रोसेस आप लोग फर्दर आगे करने वाले हैं सेकेंड थर्ड या फोर्थ कट ऑफ के अंदर, तब भी सेम प्रोसेस है यही। आप लोगों ने अगर किरोरीमल में जैसे एडमिशन ले लिया है वहां से आपकी जो भी फीस गई थी उस कोर्स की, सपोज मान लीजिए आपकी 15,000 फीस आपने पे कर दी है, तो वहां से आपकी फीस ट्रांसफर हो जाएगी रामजस कॉलेज के अंदर ऑटोमेटिकली, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस वहां पे आपकी 1000 रुपीज फीस जो है वो डिडक्ट कर ली जाएगी एंड दैट इज योर एडमिशन कैंसिल या फिर बोल सकते हैं या फिर एडमिशन ट्रांसफर करने के चार्जेस जिसको हम प्रोसेसिंग फी बोलते हैं, तो आपकी 1000 रुपीज डिडक्ट कर लिए जाएंगे और जो भी आपकी फीस होगी वो ट्रांसफर हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपने किसी और कॉलेज में एडमिशन लिया है और पुराने वाले कॉलेज में उसकी फीस कम थी बट अब ज्यादा है, तो जो भी एक्स्ट्रा फीस होगी वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। सपोज 15,000 आपकी पुराने वाले कॉलेज में फीस थी, अब आपकी 20,000 है तो आपको 5,000 और पे करना पड़ेगा, बट उसमें 1,000 आपकी डिडक्ट हो जाएंगे। एंड आपकी अगर एडमिशन फीस ज्यादा थी और रामजस कॉलेज में कम है, इतनी दूसरे वाले कॉलेज में आपकी फीस कम है, तो वो फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। उसके लिए कुछ टाइम पीरियड लगेगा, सो आपको पेशेंस रखना होगा, बट आपकी फीस डेफिनेटली रिफंड हो जाएगी क्योंकि इस पूरे प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे आपने पहले एडमिशन लिया था फर्स्ट कट ऑफ में, इसी तरह से आपको बाकी कट ऑफ में एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आप लोग अपना कैंसिल कराना चाहते हैं एडमिशन, तब आपको सिंपल कैंसिल करना पड़ेगा, देन दोबारा आपके पास वो सारे ऑप्शन आ जाएंगे कोर्स चूज करने के, साथ में कॉलेज चूज करने के, एंड देन वही सारी डिटेल्स आपको सेम फिल करनी होगी और जो ऑटोमेटिक फीस आपकी जो रिफंड होगी वो ऑटोमेटिक हो जाएगी। बस आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से कॉलेज की कितनी फीस है, तो वो आपको मेंशन कर दी जाएगी और जो भी वो आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए बात कर लेते हैं इसके बाद सेकेंड प्रोसेस के बारे में, एंड दैट इज योर सेम कॉलेज एडमिशन। लोग एक ही कॉलेज में अपना कोर्स चूज करना चाहते हैं, सपोज आपने बीकॉम प्रोग्राम लिया था और अब आप लोग लेना चाहते हैं बीकॉम ऑनर्स, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे अगेन आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है, आपको कैंसिल एडमिशन करना है, देन आपको अपना दूसरा कोर्स चूज करना है जहां पे भी आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, जो भी कोर्स आप लोग चूज करना चाहते हैं। आपके पास ये सारे प्रोसेस कम्प्लीट करने के बाद आपके पास कन्फर्मेशन आ जाएगी कि आपने फी पेमेंट कर दी है, आपकी रिफंड हो रही है, प्रोसेसिंग में है फीस, या फिर जो भी चीजें हैं जो भी इनकम्प्लीट रह जाएंगी उसका अपडेट आपको ईमेल आईडी पे आता रहेगा या फिर आपके
पोर्टल पे ही आता रहेगा, तो अपना पोर्टल आप लोग रिफ्रेश करके चेक करते रहिएगा। सो ये था आपका पूरा प्रोसेस अगर आप लोग अपना कैंसिल कराना चाहते हैं एडमिशन एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में, या फिर आप लोग ट्रांसफर लेना चाहते हैं, या फिर आप लोग सेम कॉलेज में अपना कोर्स चेंज करना चाहते हैं। तो ये था पूरा प्रोसेस। अगर आप लोगों को कुछ नहीं समझ आया या फिर कहीं ना कहीं कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।